अक्सर आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कहते हैं, मुझे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं। तो अगर आपको कहना हो मुझे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट लाइक टॉल टॉक्स, यानी मुझे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं। अगर आपको कहना हो लंबी चौड़ी बातें मत करो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट टॉक बिग। आप ये भी कह सकते हैं डोंट बोस्ट, यानी लंबी चौड़ी बातें मत करो। अगर आपको कहना हो बात बहुत बिगड़ गई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द मैटर टुक अ सीरियस टर्न, यानी बात बहुत बिगड़ गई। कई बार आप अपने डेली लाइफ में कहते हैं हमारे बीच में बाताबाती हो गई या बहसबाजी हो गई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स, यानी हमारे बीच में बाताबाती हो गई या बहसबाजी हो गई। अगर आपको कहना हो बात पक्की हो गई है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे The terms are settled, यानी बात पक्की हो गई है। आप ये भी कह सकते हैं The terms are finished, यानी बात पक्की हो गई है। अगर आपको कहना हो जहाँ तक उसकी बात है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे So far as his matter is concerned, यानी जहाँ तक उसकी बात है। आप ये भी कह सकते हैं So far as he is concerned, यानी जहाँ तक उसकी बात है। अगर आपको कहना हो यह हंसने की बात नहीं है या यह हंसने वाली बात नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज नॉट अ लॉफिंग मैटर, यानी यह हंसने वाली बात नहीं है। अगर आपको कहना हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है या ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज नॉट अ ग्रेट मैटर, यानी ये कोई बड़ी बात नहीं है या ये कोई खास बात नहीं है। कई बार आप अपने लाइफ में कहते हैं मैं उसकी बातों में आ गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉज टेकन इन बाई हिज वर्ड्स। अगर आपको कहना हो ये तो बहुत बड़ी बात है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज अ सीरियस मैटर, यानी ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको कहना हो ये तो अजीब बात है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज अ स्ट्रेंज थिंग, यानी ये तो अजीब बात है। अगर आपको कहना हो बात यह है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द फैक्ट इज दिस, यानी बात ये है। आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं द फैक्ट इज, यानी बात ये है। अगर आपको कहना हो एक बार की बात है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वंस इट सो हैपेंड, यानी एक बार की बात है। आप ये भी कह सकते हैं वंस अपॉन अ टाइम, इन दोनों का मतलब होता है एक बार की बात है। अगर आपको कहना हो मुझे उससे बात हुई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैड अ टॉक विद हिम, यानी मुझे उससे बात हुई, मैंने सभी बातों को उसके सामने रखा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई प्लेस्ड एवरीथिंग बिफोर हिम, यानी मैंने सभी बातों को उसके सामने रखा। कई बार आप कहते हैं तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड यू, यानी तुम्हारी बातें मेरे समझ में नहीं आती हैं या नहीं आ रही हैं। अगर आपको कहना हो मैं आपसे एक दो बात करना चाहता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड आर टू विद यू, यानी मैं आपसे एक दो बात कहना चाहता हूँ। कई बार आप कहते हैं बात मत बनाओ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट स्पिन यार्न, यानी बात मत बनाओ। अगर आपको कहना हो वह अपने बातों से मुकर गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड्स, यानी वह अपनी बातों से मुकर गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये सभी सेंटेंसेस आपके बड़े काम के होंगे।